रणवीर। अल्कोहल की स्मेल आ रही, बाहर आओ जल्दी। आ जाओ आर्यन, हेल्प मी, इसको ले लो। अरे यार आराम से। आर्यन पार्ट टू है, तू बना है। मैं ही हूँ, चल चल यार। नो माय गॉड, देखा, मुझे पहले से डाउट था, बट नाउ आई एम श्योर ये चोर मेरे कॉलेज के स्टूडेंट ही। बाजू वाली ना मेरी वाइफ देख लेगी पत्ते। डोरबेल बजी। हाँ डोरबेल बज गई, तो जाइए खोलिए ना। मीरा मैं जाऊंगा ना, ये पल्लवी पत्ते देख लेगी। वो तो मैं वैसे भी देखी। देखो जाइए डोर खोलिए। अरे वो कह रही है पत्ते देख लेगी। नहीं देखेगी, दीजिए पत्ते जी। ओके आई ट्रस्ट यू, आई ट्रस्ट यू, आई बी बैक। बहादुर बहादुर कहाँ यार, पत्ते खेलते वक्त भी नहीं है मौजूद। अरे यार, हे वेलकम बहुत चली हूँ ना, तो I've got toned. This is not toned. I have to feed you now. Come you. Hi, my baby. Oh, I missed you. I missed you so much. And this woman, she's missed you the most. पता है घर में एक बच्चा भी कम हो ना तो अच्छा नहीं लगता। अब तुम आ गई हो ना, बहुत अच्छा लगेगा हमें। प्रिया तुम कुछ दिन बाद आने वाली थी ना। प्राची रणबीर के क्लोज आ रही है, शी इज इंचिंग टुवर्ड्स रणबीर। मैंने बोला ना कि मुझे आप लोग इतनी याद है कि मैंने सोचा जल्दी से आके सरप्राइज दे दो, है ना। डैड की तरह डैड तो मुंबई चले गए, अर्जेंट मीटिंग थी तो चले गए, कल आ जाएंगे। ओके और रणबीर किधर है? I mean, रणबीर और आर्यन किधर है? वो एक्चुअली दोनों हमेशा साथ रहते हैं ना, तो मुझे लगा साथ ही होंगे। रणबीर घर पर नहीं है, इतनी रात को वो घर पर नहीं है। हाँ कह रहा था किसी दोस्त से मिलने जा रहा है, या सम अर्जेंट वर्क। सो ऐसा कौन सा फ्रेंड है जिससे ये रात को मिलने गया है? I mean, रात को तो ये सब पार्टी करता है, मिलने मिलने का तो टाइम इसके पास होता नहीं है। What are you thinking? I am thinking कि मुझे आप क्या क्या खिलाओगे? Exactly. मैं बहादुर को कहती हूँ तुम्हारे बैग्स रख देंगे and you rest for some time. Come. Okay, go chill now. What come? मीरा जी पत्ते खेलने बाकी है ना अभी? अरे कहाँ पत्ते अभी? अभी तो रिया आई है, मैं इसके साथ बैठ के बात करूंगी। Exactly. और वैसे भी आ चुके हो। आप क्या सोच रहे? तुम्हें नहीं लगता कि ये रिया जो है वो अपने रणबीर में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट ले रही है? रणबीर है भाई, तेरा बेटा है, हैंडसम है, ऑफ कोर्स लड़कियां बहुत इंटरेस्ट लेंगी उसमें, इट्स नेचुरल। अच्छा मैं बहुत थक गई हूँ, मैं जा रही हूँ सोने। वैसे भी गेम तो आप हार चुके हैं, तो आई जस्ट गो। हाँ क्या हुआ, बात अधूरी रह गई? मिल गया ना जवाब प्रज्ञा, तुम भाई के पीछे पड़ी हुई थी, भाई तुम्हारी बात सुनना नहीं चाहते थे इसलिए चले गए। इतनी सी बात में समझ में नहीं आती प्रज्ञा, पीछे पड़ी हुई हो मेरे भाई के और हमारे। Why don't you get it? We don't want you.
पर इसे तुम्हारी अच्छी किस्मत कहो या हमारी बुरी किस्मत, तुम हमारे घर और हमारी लाइफ में एक पेंट की तरह चिपकी हुई हो, जिसे ना देखा जाता है ना उतारा जाता है। क्या आंखों में दिखता नहीं है क्या हमारी कि हम तुम्हें पसंद नहीं करते? अब तो भाई भी हाथ छुड़वा कर चले गए ना, कोई भी तुम्हें नहीं चाहता है। None of us want you in our life. तुम्हें इतनी सी बात समझ ही नहीं आती, पीछे पड़ी रही हो हमेशा से। अभी भी रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, यू वर पेगिंग भिखारियों की तरह। Please stop it. Why? Why should I stop it? कुछ गलत तो नहीं बोल रही हूँ ना प्रज्ञा? जो देखा मैं वही सुना रही हूँ, तुम्हारी औकात तुम्हें दिखा रही हूँ। वैसे औकात तो पहले भी दिखा सकती थी, लेकिन लगता है तुम आईना देखना ही नहीं चाहती। जब भाई ने बोल दिया he doesn't want you in his life, तो क्यों बार बार पीछे उनके पड़ी रहती हो? क्या लेने आई हो यहाँ पर? आलिया, मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने के लिए वक्त नहीं है, मुझे और भी काम है। अगर तुम्हें कोई जरूरी बात ही करनी हो तो बाद में कर लेना। पता नहीं तुम में ऐसा क्या है। इसी बात का बहुत घमंड था ना तुम्हें, एटीट्यूड दिखाती थी। भाई तुम्हें मानते थे, तुम्हें चाहते थे, अब तो भाई खुद ही हाथ छुड़वा कर चले गए। अब क्या करोगे? सारा एटीट्यूड एकदम खोखला सा पड़ गया ना प्रज्ञा। बट समटाइम्स आई विश यू नो कि भाई तुम्हारा ये फेक एटीट्यूड बहुत पहले तोड़ देते। और अगर वैसा होता ना तो आई स्वेयर एटीट्यूड क्या होता है ये तुम्हें मैं बता देती तुम्हें कि तुम एक मिडिल क्लास लड़की हो और हमेशा रहोगे। वैसे स्वीट हार्ट, टेल मी वन थिंग, अपने प्यार के लिए जिस तरीके से तुम गिड़गिड़ा रही हो, दिशा भी पूरब के लिए ऐसे ही गिड़गिड़ा रही है क्या? आफ्टर ऑल पैसे, कंफर्ट, लग्जरी, इन्हीं सब चीजों के लिए तो तुम दोनों बहनें। अगर गिड़गिड़ाने से प्यार मिल जाता तो अब तक तुम्हें पूरब का प्यार मिल गया होता। प्रज्ञा, कहा था ना चुप हो जाओ। अगर बोलने की हिम्मत रखती हो तो सुनने की भी हिम्मत रखो। तो मेक इट वेरी क्लियर कि ना मुझे तुम्हारी बातों का पहले फर्क पड़ता था ना अब फर्क पड़ेगा। वो मुझे जवाब दे या ना दे, तुम अगर मुझसे ऐसे ही बात करती रही ना, तुम्हें ऐसा जवाब दूंगी मेरे सामने तो क्या किसी और के सामने मुंह खोलने लायक नहीं रहोगी। तुम्हारी बात करने का तरीका मुझे बात करना पसंद नहीं है मुझे तुमसे, लेकिन अगर अच्छी बातें कर नहीं सकती तो अच्छी बातें सुनने की उम्मीद मत रखा करो। पहले कम से कम एक रिश्ता था जिसका लिहाज कर लिया करती थी, लेकिन अब तो वो भी नहीं बचा। डरना चाहिए तुम्हें मुझसे, कहीं इतने सालों इतनी बातों का गुस्सा एक बार में ना निकल जाए। प्राची रणबीर के क्लोज आ रही है, शी इज इंचिंग टुवर्ड्स रणबीर। अगर प्राची रणबीर की गर्लफ्रेंड बन गई तो तुम्हारी पॉपुलैरिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। लव, मैं तुमसे प्यार करता हूं। आर यू श्योर कि रणबीर तुमसे प्यार करता है? अरे खाओ ना। नो आई एम डन। अच्छा नहीं लगा? अच्छा आई एम डन। पर तुमने तो खाया ही नहीं, प्लेट तो पूरी ऐसी की वैसी है। मैं लाइफ में इतनी इनसिक्योर क्यों हूं? अब क्या हुआ? Nothing, it's just I'm tired and I'm overthinking. I think I should sleep. You know, I missed you so much. इतनी याद आ रही थी तुम्हारी। तुम घर पे नहीं होती ना तो ऐसा लगता है कि घर की सोल ही चली गई है। The whole house seems lifeless. You know, I missed you too. और मुझे पता है कि आपने और बूजी ने मुझे बहुत मिस किया होगा। लेकिन डैड, I mean, I tried calling him. He didn't even pick my phone. अरे, you're so funny. उन्हें कैसे पता कि तुम जल्दी वापस आ गई? तुम खुद ही तो जल्दी वापस आई हो। और रही बात फोन की, तो वो वहाँ पार्टी में है, इतने सारे लोग हैं और म्यूजिक चल रहा होगा। He must be thinking कि बाद में फोन करेंगे तुम्हें। Why are you so insecure? तुम क्या सोच रही हो? He loves you more than loves you more than his music. He loves you more than anything and everything in this world. You're his जान। हाँ, मुझे मत कन्विंस किया करो, क्योंकि जब मुझसे कुछ भी बोलते हो ना, मुझे
मेरा मन करता है कि मैं आप पे ट्रस्ट कर लूं। I believe every word you say. But I don't know, पता नहीं क्यों मुझे हर बात पे श्योरिटी चाहिए होती है। डैड मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और अगर आप और बूजी ना होना तो वो श्योरिटी मुझे कोई नहीं देता। थैंक यू फॉर कीपिंग मी सो सिक्योर अबाउट इट। अरे दैट्स ओके, बट तुम ऐसे क्यों सोचती हो? लाइक व्हाई यू थिंकिंग लाइक दिस? नो माय रीजंस, मैं ऐसी क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों सोचती हूँ? इट इज ऑल जस्ट कनेक्टेड बिकॉज माय मदर लेफ्ट। या ऐसे बहुत से लोग हैं इस दुनिया में जो तुमसे तुम्हारी माँ जितना प्यार करते हैं। बट आई नो बट एक बात सुन लो मेरी, जस्ट बिकॉज तुम्हारी माँ तुमसे दूर है या तुम्हें छोड़ के चली गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो तुमसे प्यार नहीं करती। तुम्हारे लिए उनका प्यार कम हो गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। She loves you as much as your father loves you. इतना प्यार करती है वो मुझसे कि एक बार भी मिलने नहीं आई। She didn't even care to see me whether I'm alive or I'm happy or I'm sad. तुम्हें कैसे पता? क्या पता वो तुम्हें मिली हो? तुमने तो उन्हें देखा नहीं है ना, तुम तो जानती भी नहीं हो वो कैसी दिखती है। वो एक माँ है। तुम क्या 5-6 दिनों के लिए बाहर गई थी और मैं इतनी बेचैन हो गई थी? तो वो तो माँ है, वो कितनी बेचैन हुई होंगी। आई एम श्योर वो कहीं ना कहीं वो मिली होंगी तुमसे। हीरान, यू नो व्हाट, यू आर वेरी स्वीट, आप बहुत प्यारे हो, बट आप अपनी तरह लोगों को नहीं बना सकते। यू कांट फिल अप देयर पॉज, सो प्लीज डोंट इवन ट्राई। तुम सो जाओ, थकी हो, ज्यादा सोचना मत। गुड नाइट। गुड नाइट, आई लव यू। Love you too. मॉम मेरे साथ होती तो शायद से मैं इतनी इनसिक्योर नहीं होती। रणदीप टोल्ड मी दैट ही लव्स मी, बट फिर भी मैं इतनी इनसिक्योर क्यों हूँ? आई मीन मैंने ही उसको कहा था कि प्राची क्लोज जाए, उसको अपने प्यार में फंसाए, और फिर आज उनके क्लोज आने की वजह से मैं इतना क्यों डर रही हूँ? अब क्या सोच रही हो तुम? नहीं, मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। प्लीज गो टू स्लीप नाउ। Love you. Bye. I love you. Good night. प्राची का नंबर भी नहीं लग रहा है और रणबीर का भी नंबर नॉट रीचेबल है। ये दोनों हैं तो है कहाँ? I knew it. मुझे पता था तुम हो ना, गलत तो करोगे है ना? मतलब इधर देखो, बात कर रही हूँ तुमसे, जरा भी शक होता ना यहाँ आने वाले हो, ऐसा कुछ करने वाले हो, रोक देती मैं तुम्हें। इतने बड़े घोड़े बन गए हो, दिमाग का यूज क्यों नहीं करती? भगवान ने दिया है ना, क्यों यूज नहीं? शाना कुछ नहीं, क्या हो तुम? चैंपियन, फुटबॉल चैंपियन हो ना तुम? ऑलरेडी पॉपुलर हो, और कितना पॉपुलर होना है तुम्हें? और अगर टॉप करना ही था एग्जाम में तो मेहनत करो, पढ़ाई करो, चोरी करने की क्या जरूरत है? कुछ हो नहीं सकता, गलत है वो, गलत है। और गलती करने का तरीका तो देखो, तरीका देखो कितना गलत है। हंस रहे हो तुम? इधर देखो तुम, प्रिंसिपल सर से तुम्हें बचा के लाए, तुम्हें हंसी आ रही, जोक मारा मैंने कोई, तुम्हें शर्म आती है? ट्राई करो कभी, और अगर आए ना शर्म तो उसमें डूब के मर जाना। अपनी फैमिली के बारे में तो सोचते, ओके किसी के बारे में नहीं, खुद के बारे में सोचते, सस्पेंड हो सकते हो तुम, समझ में नहीं आता तुम्हें? यार तुम चुप करो ना यार, चिट्ठी बोले जा रही है, पागल हो गई क्या? बोले जा रही है। तुम ना यहाँ से, मुझे पता क्यों आए? तुम खुद अपने आप को बचाने के लिए आई हो, ठीक है? तुम अपने लिए आई हो यहाँ पे, मैं नहीं आई हूँ। अपने लिए आई हूँ मैं यहाँ पे। तुम अपने लिए आई हो यहाँ पे। कितने बड़े एहसान फरामोश हो तुम? एहसान फरामोश? मैं रणबीर को लेके जाता हूँ, यहाँ रह के तो आवाज बढ़ जाएगी सर सुन लेके। कोई नहीं है, लगता चले गए। चलो
सब तुम्हारी गलती है ऋषि, तुम्हारी वजह से हम साथ नहीं रह पाए। अब इस गलती की सजा मानो या हमारी किस्मत। हम साथ जी नहीं पाए पर साथ मरेंगे जरूर। हम नहीं, हमारी आत्मा जरूर मिलेगी। ऋषि भैया, ऋषि भैया, सरिता जी को बुखार आया और दवा खाने के लिए साफ मना कर रही है। मुझे तो ना बहुत तंग कर दिया है। आप चलिए ना मेरे साथ। वो समझ ही नहीं रही है कि बुखार ज्यादा बड़ा तो दिमाग में चढ़ सकता है ना। आप परेशान मत हो, मैं चलता हूँ साथ में। चलो। इस घर की औरतें मेरे प्यार की दुश्मन क्यों है? पहले वो प्रख्या, फिर शकिनदानी, फिर शहाना, और अब ये मधु। कोई हमें साथ जीने नहीं दे रहा तो कोई हमें साथ मरने भी नहीं दे रहा। पर डिसाइड कर लिया है मैंने, क्या फालतू में पुलिस कोर्ट के चक्कर देखे अपने प्यार को परेशान करना। प्यार के साथ मर के प्यार को हासिल कर लेती हूँ ना। ऋषि अपनी मर्जी से तो मरेगा नहीं, तो मुझे ही उसे जान से मारना पड़ेगा। कोई बात नहीं स्वीटार्ट, सुनने तो तुम यही आओगे ना। और जैसे ही आओगे मैं तुम्हें हमेशा के लिए सुला दूंगी और फिर खुद भी तुम्हारी बाहों में सो जाऊंगी। ऋतिक रोना बंद करो प्लीज, मुझे यहाँ पे प्रज्ञा दी के साथ आना था पार्टी में, इसलिए तुम्हें नहीं लाई साथ। दिशा, बात यही नहीं कि तुम किसके साथ आई, बात ये है कि तुमने किसे छोड़ा। देख रहा हूँ मैं, दिन पर दिन मेरी वैल्यू ना गिरती जा रही है। अरे तो शेयर मार्केट की तरह बढ़ भी जाएगी। सुनो देखो प्रज्ञा दी आ रही है, मैं तुमसे बाद में बात करूँ प्लीज। अरे फोन पर भी मेरी वैल्यू नहीं। चलो बाय, मेरे पास टाइम नहीं है। दिशा दी, कितना टाइम लगा दिया, कहाँ थी आप? मतलब अभी अभी मैंने जीजू को यहाँ से जाते हुए देखा, अब आपको क्या चल रहा है? सॉरी कुछ नहीं। तुम कुछ सोचो या बोलो उससे पहले मैं ही बता देती हूँ कि मैं आलिया से बहस करके आ रही। आलिया से बहस? तू मैं, आपने सुनाया उसे? हाँ सुना दिया। What? Very good. I'm very proud of you. ऐसे ही करना चाहिए। गलत वक्त पे मेरे सामने आ गई, मेरा मूड खराब था और वो, वरना 20 साल बाद मिली थी शायद क्या अच्छे से ही बात करती। कोई अच्छे से बात करने की जरूरत नहीं है, वो ऐसी ही है, उससे इसी तरह से बात करनी चाहिए। स्वीट बनने की जरूरत नहीं है, बिना सुनाए बातें समझती नहीं है। वो कैसे भी समझे, उसकी वजह से मुझे अपना बर्ताव थोड़ी बदलना चाहिए। कोई कैसा भी हो हमें उसके जैसा नहीं बनना चाहिए ना, हमें सबसे अच्छे से मिलना चाहिए, अच्छे से बात करनी चाहिए। पता नहीं मैं, प्लीज प्लीज दी प्लीज, बस मुझे ये सब बातें मत सुनाइए। मैंने सबसे बहुत अच्छे से बिहेव करके देख लिया, पर आपको दुनिया के साथ उसी तरह से बिहेव करना चाहिए जैसे दुनिया आपके साथ बिहेव करती है। मुझे मत समझाइए। ओके मैं समझ गई ना, चलो लेट्स गो, लेट्स गो। अगर गिड़गिड़ाने से प्यार मिल जाता तो अब तक तुम्हें पूरब का प्यार मिल गया होता। वेरी गुड, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, ऐसे ही करना चाहिए। दिशा अकेली हो या प्रज्ञा साथ में हो, पूरी दुनिया ही मेरे खिलाफ क्यों ना हो, मेरे पूरब को मुझसे छीन नहीं पाएगी। हर वाइफ अपने हस्बैंड को लेकर पोसेसिव होती है, उसी को लेकर इनसिक्योरिटी होती है। आ गई मेरे अंदर भी, और जैसी इनसिक्योरिटी आती है वैसे ही गुस्सा भी आता है। आ गया पूरब को गुस्सा और बोल दिया उसने कि उसको दिशा चाहिए, पर उसने कहा है चाहा नहीं, वो मेरा है, मेरा ही रहेगा। रिया, तुम्हारी हर बात का जवाब है मेरे पास प्रज्ञा। अब इसके जरिए मैं तुम्हें एक बहुत ही सही जवाब दूंगी, फिर देखती हूँ अपनी प्यारी बहन दिशा को तुम कैसे बचाती हो। दोनों का जीना हराम ना कर दिया तो